द वॉच प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी। इट्स अ बॉय गर्ल थिंग। मूवी की शुरुआत होती है और हम वुडी और नील को देखते हैं जो एक दूसरे के पड़ोसी रहते हैं, पर दोनों एक दूसरे को हर वक्त नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां नील की फैमिली वेल एजुकेटेड और रईस रहती है, वहीं दूसरी तरफ वुडी अपने पूरे खानदान का पहला इंसान रहता है जिसने स्कूल देखा होता है। जिस वजह से नील की मॉम वुडी की फैमिली को अपने लेवल का नहीं समझती थी और इसी बात से वुडी बहुत चिढ़ता था और हमेशा नील को परेशान करने का मौका ढूंढते रहता था। और बात करें दोनों के पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वुडी का सपना एक बहुत बड़ा अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर बनने का रहता है, वहीं दूसरी तरफ नील को इंग्लिश लिटरेचर का बहुत शौक रहता है, जिस वजह से वो अपनी हायर एजुकेशन येल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करना चाहती थी। पर किस्मत ने इन दोनों के लिए कुछ और ही प्लान करके रखा होता है। एक दिन दोनों स्कूल ट्रिप पर म्यूजियम जाते हैं, जहां वुडी नील को अकेला देखकर उसे तंग करने आता है, जिस वजह से दोनों की आपस में बहस होने लगती है और दोनों बिना रुके एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी बीच इनके साथ वो होता है जिसके बारे में इन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोच रखा था। दरअसल ये जहां लड़ रहे होते हैं वहीं एक एंशियंट गॉड की मूर्ति रखी होती है, जो कि काली शक्तियों के गॉड रहते हैं और उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो किसी भी इंसान की आत्मा को कंट्रोल कर लेते थे। तो यहाँ इन दोनों की बेवजह लड़ाई और एक दूसरे के लिए नफरत को देखते हुए मूर्ति में से कुछ जादुई मंत्र निकलकर इन दोनों को लगती है, जिसके बाद जब अगली सुबह दोनों उठते हैं तो 440 वोल्ट छोड़ो, इन्हें 11,000 वोल्ट का झटका लगता है, क्योंकि इनकी आत्मा एक दूसरे की बॉडी से एक्सचेंज हो गई रहती है और अब नील की बॉडी अंदर से वुडी बन चुकी होती है और वुडी की अंदर से नील। और इस झटके के बाद दोनों एक दूसरे से तुरंत मिलने जाते हैं, पर मिलने के बाद दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर ब्लेम डालते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। और बातों बातों में वुडी नील को इतना डांट देता है कि वो रोने लगती है, पर क्योंकि वो फिलहाल वुडी की बॉडी में रहती है तो वुडी जल्दी से उसे चुप होने को कहता है, क्योंकि अगर कोई उसे ऐसे देख लेता तो उसकी इज्जत का कबाड़ा उड़ जाता। पर जब नील चुप होने का नाम नहीं लेती तो वुडी उसे यह कहकर रिलैक्स करने की कोशिश करता है कि उसने बहुत सारी मूवीज में ऐसा होते देखा है और सभी में लोग 24 घंटों के बाद वापस नॉर्मल हो जाते हैं, तो उसे भी पूरा यकीन है कि वो भी 24 घंटों के बाद नॉर्मल हो जाएंगे। वुडी की बात सुनकर नील थोड़ा शांत हो जाती है और फिर दोनों ये डिसाइड करते हैं कि जब तक वो वापस से अपने अपने बॉडी में नहीं आ जाएंगे तब तक दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे सबके सामने वैसे ही दिखने की और बिहेव करने की जैसे वो अपनी अपनी बॉडी में हुआ करते थे। पर दोनों उल्टी खोपड़ी के रहते हैं, जिस वजह से वुडी नील का क्लासरूम में सत्यानाश कर देता है जब टीचर उससे क्वेश्चन पूछती है और नील वुडी का सत्यानाश कर देती है फुटबॉल ग्राउंड में। इसके बाद दोनों रात में ये सोचकर सोते हैं कि सुबह होने पर दोनों अपनी अपनी बॉडी में वापस होंगे, पर सुबह उठने के बाद दोनों देखते हैं कि ये लोग अभी भी एक दूसरे के बॉडी में फंसे हुए हैं, जिसके बाद नील स्कूल में वुडी का टेम्परेचर और हाई कर देती है जब वो स्कूल चंपू बनकर आती है, क्योंकि उसे शुरू से वेल मेंटेन्ड रहना पसंद था, पर वुडी अपने बॉडी की ऐसी हालत देखकर सदमे में चला जाता है और नील को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके इमेज को खराब कर रही है। पर जैसा कि मैंने कहा था, दोनों उल्टी खोपड़ी के रहते हैं, तो नील वुडी से कहती है कि उसका मन जैसे करेगा वो वैसे रहेगी और उसे ये सब तब तक बर्दाश्त करना होगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। पर नील ये भूल जाती है कि अगर वुडी की बॉडी उसके पास है तो उसकी बॉडी वुडी के पास, जिसके बाद वुडी नील को धमकाकर वहां से चला जाता है कि उसने गलत पंगा ले लिया है, अब वो भी उससे बदला लेगा। जिसके बाद वुडी अगले दिन बहुत ही वाहियात ड्रेस पहनकर स्कूल आता है, जिससे नील के कैरेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसे देखकर नील से कंट्रोल नहीं होता। जिसके बाद नील वुडी को सबक सिखाने के लिए उसी गर्लफ्रेंड को जाकर बहुत बुरा भला कहती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है, पर नील की यह हरकत वुडी की सारी सहन शक्ति खत्म कर देती है, जिसके बाद वुडी नील की आंखों के सामने एक छपरी लड़के के साथ जाता है, उससे ये कहकर कि आज उसकी बॉडी उस लड़के के साथ पूरी रात बिताएगी। पर वुडी को इस बात का अंदाजा नहीं रहता कि उसकी ये हरकत नील को इंटरनल हर्ट करेगी, जिसके बाद वुडी के जाते ही नील पूरे दिन रोते रहती है और रात को जब वो अपने कमरे में उदास बैठी हुई होती है तो वुडी की माँ उसे उस हालत में देखकर उसके पास आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वुडी उदास है। और जब वो उससे बात करती है तब नील को पता चलता है कि वुडी खुद को जैसा दिखाता है वो उतना बुरा नहीं है और अपनी आत्मा एक्सचेंज होने से पहले वो पूरी मेहनत कर रहा था फुटबॉल टीम में सिलेक्ट होने का, ताकि वो अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। वुडी की असलियत जानने के बाद नील वुडी के लिए इमोशनल हो जाती है, पर फिर जब वो अगले दिन स्कूल जाती है तो उसके सारे इमोशन का सत्यानाश हो जाता है। दरअसल वो देखती है कि स्कूल में वो छपरी जिसके साथ वुडी गया था उसने पूरे स्कूल में ये ढिंढोरा पीट दिया है कि नील ने उसके साथ पूरी रात बिताई है, जिसके बाद नील फूट फूट कर रोने लगती है। पर क्योंकि वो एक लड़की की बॉडी में रहती है तो एक टीचर उसे देखकर बह जाता है कि ये कौन लड़का उनके स्कूल में आ गया है जो लड़कियों की तरह रो रहा है। इसके बाद जब नील शांत होकर क्लास करने जा रही होती है तब वुडी उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि पिछली रात उसके और छपरी के बीच में कुछ नहीं हुआ था। वुडी की बात सुनकर नील फिर भी उससे नाराज रहती है और उससे कहती है कि उसकी बातों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस छपरी ने उसे पूरे स्कूल में बदनाम कर दिया है। नील की बात सुनकर वुडी को उस छपरी पर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो सीधे उसे मारने चला जाता है। पर इस बार भी वो भूल जाता है कि वो फिलहाल एक लड़की की बॉडी में है। पर इस बार नील उसका साथ देती है और वुडी की बॉडी का इस्तेमाल करके उस छपरी को मारती है और पूरे स्कूल के सामने सारा सच कहलवाती है कि उसने जो भी अफवाह फैलाया था सब झूठ था। और इन सब के बाद वुडी और नील दोस्त बन जाते हैं और जब दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं तब इन्हें रियलाइज होता है कि इनके साथ जो भी हुआ है वो म्यूजियम से आने के बाद हुआ है। जिसके बाद दोनों तुरंत दौड़ के म्यूजियम जाते हैं और उस एंशिएंट गॉड के सामने जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि अब वो सुधर चुके हैं,
तो अब वो उनकी आत्मा को वापस उनके अपने अपने बॉडी में डाल दे। पर उनके इस रिक्वेस्ट का वहां पर कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद ये लोग वहां से वापस आते हैं और इस बार दोनों सही में एक दूसरे की मदद करने का डिसाइड करते हैं। और इसके लिए वुडी नील को फुटबॉल खेलना सिखाने लगता है, वहीं नील वुडी को येल के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने लगती है। इसी बीच नील को वुडी के पिता से एक और बात पता चलती है कि वुडी के पिता और उसके पिता एक टाइम पर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर उसकी मॉम की वजह से उसके पिता को वुडी के पिता से दोस्ती तोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उसकी मॉम ही थे जो उन्हें अपने लेवल का नहीं समझती थी। वहीं दूसरी तरफ गर्ल्स नाइट में वुडी को भी पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बस उसके साथ इसलिए थी क्योंकि वो स्कूल फुटबॉल टीम का कैप्टन था, और उसकी गर्लफ्रेंड उसे ये सारी बातें खुद शेयर करती है क्योंकि उसे पहले का ये पता रहता है कि नील और वुडी एक दूसरे से नफरत करते थे, पर उसे ये नहीं पता रहता कि फिलहाल नील की बॉडी में वुडी बैठा हुआ है। इसके बाद कुछ दिनों में वो दिन आ जाती है जब नील का येल में इंटरव्यू होने वाला रहता है, वहीं दूसरी तरफ वुडी का फाइनल फुटबॉल मैच, जिसमें दोनों पूरी तरह से तैयार होकर जाते हैं। पर क्योंकि नील का इंटरव्यू पहले रहता है तो वुडी इंटरव्यू देकर जल्दी आ जाता है नील को खेलता हुआ देखने, पर उसकी आंखें उसे खेलता हुआ नहीं देख पाती क्योंकि नील की पूरी तरह से बैंड बजी हुई रहती है। पर एक टाइम के बाद नील सभी को वो कर दिखाती है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं रहता। वो फुटबॉल मैच तो जीतती ही है, साथ ही उसके गेम को देखकर वहां सिलेक्शन के लिए आया हुआ कोच उसके पास आकर उसे स्पॉन्सरशिप भी ऑफर करता है, जिसका वुडी बहुत वक्त से सपना देख रहा होता है। जिसके बाद दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इन्हें रियलाइज होता है कि अब दोनों पहले जैसे नहीं रहे। दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स पूरी तरह से बदल गई रहती है, जिस वजह से इनकी सजा भी खत्म हो जाती है और वो एंसेंट गॉड इन पर किए हुए काले जादू को वापस ले लेता है, जिससे उसी वक्त इनकी आत्मा इनके अपने अपने बॉडी में वापस आ जाती है। पर इससे पहले ये अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वुडी की पुरानी गर्लफ्रेंड उसके जीतने पर जबरदस्ती उससे आकर चिपट जाती है और ये देखकर नील को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से अचानक चली जाती है। और जब वुडी नील को अपने साथ स्कूल के होमकमिंग पर अपनी डेट बनाकर ले जाने आता है तो नील की माँ उससे आकर कहती है कि वो उससे नहीं मिलना चाहती, जिसके बाद वुडी उदास होकर वहां से लौट आता है। इधर नील को और भी ज्यादा बुरा लगता है जब उसे पता चलता है कि वुडी ने उसे येल के इंटरव्यू में पास करा दिया है, पर वो इस गलतफहमी में वुडी के पास नहीं जाती कि वो अभी भी अपनी पिछली गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। और इसी सोच में वो एक जगह पर बैठी हुई होती है, पर तभी उसके पापा उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो वुडी को पसंद करती है, इसीलिए उन्होंने उसके लिए एक ड्रेस लाया है, जिसके बाद वो नील को वो ड्रेस देते हैं और उसे होमकमिंग में जाने को कहते हैं। इधर वुडी को जबरदस्ती अपनी पिछली गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में रहना पड़ता है क्योंकि उन दोनों को स्कूल ने होमकमिंग के क्वीन और किंग के तौर पर अनाउंस कर रखा होता है। पर तभी नील जैसे ही वहां आती है, वुडी नील के आते ही सब कुछ छोड़कर उसके पास आता है और फिर दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और मूवी यहां खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हां, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते जाना।